मुस्कान मुस्कान, मेरा लंच कहाँ है? अरे मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। मुस्कान मेरा लंच कहाँ है भाई? मैं ही तो हूँ आपका लंच। मजाक छोड़ो, मेरा लंच लाओ। अच्छा तो अब आपको मेरा प्यार मजाक लगने लगा है? बेबी अब तुम ही सोचो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्यार के बारे में कहाँ से सोचूंगा? जैसे मैं सोचती हूँ, मुझे भी ना सुबह सुबह बहुत काम होते हैं, पहले उठो फिर नहाओ फिर आपके लिए दुआ मांगो। मेरे लिए दुआ क्यों? तो मैं अपने लिए तो कुछ मांगती ही नहीं हूँ। अच्छा तो सारी चीजें तो मेरे लिए मांगती हो? हाँ। क्या क्या मांगती हो? आपकी लंबी उम्र, आपका प्रमोशन और आपका प्यार। और इतनी दुआ मांगने के बाद फिर आपको उठाने आओ, फिर आपके लिए लंच बनाओ, आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। और मैंने आज आपसे थोड़ा सा प्यार क्या मांग लिया, आपको ऑफिस जाने की लगी हुई है। आज मैंने आपसे जरा सा प्यार क्या मांग लिया तो आज आपको ऑफिस जाने की पड़ी है। जाओ तो फिर निकलो। मैं क्यों निकलूं? मैं भी इस घर का मालिक हूँ। अच्छा लाती हूँ आपका लंच, ज्यादा मालिक मत बनो। मैं तुम्हारा रास्ता कहाँ रोक रहा हूँ? मैं तो तुम्हें रोक रहा हूँ। अब लंच नहीं लाना? जब लंच मेरे सामने है तो मुझे लंच की क्या जरूरत? क्या बात है भाई, बड़ा मुस्कुरा रहा है। क्या बताऊं यार, आज सुबह सुबह लंच मिल गया। लंच तो रोज ही आते हैं हम सुबह, इसमें नई बात क्या है? अरे तू कब आया? जब तू मुस्कुरा रहा था ना मैं तब आया, 5 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े खड़े तेरी मुस्कुराहट ही देख रहा था मैं। वैसे तेरी इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? यार तुझे क्या बताऊँ, जब से मुस्कान मेरे लाइफ में आई है ना तब से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। और मैं कोई भी काम करता हूँ ना वो सब अच्छा ही होता है। मेरी तो लाइफ सेट हो गई यार, आई एम ब्लेस्ड विद हर। सच में यार कितना लक्की है, लगता ही नहीं है कि तेरी शादी हो गई है। ऐसा लगता है तुम दोनों अभी भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो। बड़ी किस्मत वाला यार, सच में यार। वो तो है यार, पता है मुस्कान मेरी हर फीलिंग समझती है, मुझे कब क्या चाहिए वो सब जानती है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, सही कहा तुमने। काश मैंने भी तेरी तरह कॉलेज में किसी से प्यार किया होता तो आज मैं भी तेरी तरह मस्त स्माइल लेके ऑफिस में बैठा होता। चल चल अब तू क्या मेरे प्यार को नज़र लगाएगा क्या? ला फाइल दे। क्या करूं, जब से ऑफिस में आया हूं ना तुम्हें याद कर रहा हूं। वो क्या है ना, आज मुझे ऐसा लगा जैसे हम कॉलेज के टाइम पे प्यार किया करते थे ना, वैसा ही फील हुआ। मैं तो वैसे ही हूं, तुम बताओ अपना। अच्छा सुनो ना, कहीं घूमने चले? हाँ चलते हैं। तो ठीक है, मैं ऑफिस का काम निपटा लेता हूँ और फिर हम लोग मिलते हैं। तो तैयार हो कर वहीं मिलना जहाँ पर हम कॉलेज के टाइम पे मिलते थे। ओके ओके बाय बाय, लव यू टू। चल बेटा
फटाफट ऑफिस का काम खत्म कर, वरना बॉस आज तेरा रिमांड ले लेगा। कहाँ रह गई मुस्कान? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसको। कितनी देर लगाती है ये भी। अरे ये तो पवन है। अरे मुस्कान, पर तुम तो मुस्कान नहीं हो। सही पहचाना, मैं मुस्कान नहीं हूँ। अरे जिंदगी तुम। और बताओ पवन कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? मैं बस कुछ काम से आई थी। वैसे तुम अभी भी उतने ही स्मार्ट हो जितने कॉलेज के टाइम पे हुआ करते थे। तभी तो मुस्कान तुम पे फिदा थी। और तुम एक राज की बात बताओ, कॉलेज की बाकी सारी लड़कियां पे तुम पे फिदा थी। थैंक यू। चलो अच्छा है तुम दोनों ने शादी कर ली और बहुत प्यार करते हो मुस्कान से। तभी तो मेरे हाथों से पहचान लिया कि मैं मुस्कान नहीं जिंदगी हूँ। वो तो है। तुम्हें मुस्कान बहुत खुश रखती होगी ना? तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम कितने खुश हो। और मैंने सुना है कि तुम आज भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहते हो। अरे वाह, हमारी जोड़ी इतनी अच्छी है कि सबको हमारे बारे में पता है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की नजर ना लग जाए। किसी की क्यों, इस जिंदगी की ना लग जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना अपने रिश्ते के बारे में झूठ झूठ बता देता हूँ। ये झूठ झूठ सुन के ना यहाँ से जल्दी भाग जाएगी। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि अब मैं और मुस्कान पहले की तरह खुश नहीं रहते। लेकिन मैंने तो सुना है कि मुस्कान तुम्हें बहुत प्यार करती है। हाँ करती थी, लेकिन अब वो पहले जैसी रही नहीं है। ना तो मेरी ध्यान रखती है, ना मेरी केयर करती है, और हमारी शादीशुदा लाइफ भी पहले जैसी नहीं रही है। तो इसलिए। नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? मैं मजाक क्यों करूंगा यार? और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? तो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं, ठीक है मैं तुम्हारी सुनूंगी, बताओ तुम मुझे। अरे वही यार, जो एक शादीशुदा लाइफ में होता है वो मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करती। होता है। दुनिया को तो लगता है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार है, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही होती है। वो मुझे उतना प्यार भी नहीं करती जितना पहले किया करती थी। अब वो बदल गई है, बहुत बदल गई है। लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम मुस्कान के साथ बहुत खुश हो। वो होगी, लेकिन मैं नहीं हूँ। वो क्या है ना, शादी के लिए हाँ मैंने ही की थी ना, तो इस वजह से मुझे उसके साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। अरे एडजस्ट की क्या जरूरत है, तुम उसे तलाक दे दो। सोच तो मैं यही रहा हूँ कि मैं उसे तलाक दे दूँ। बड़ी बेकार लड़की है यार ये, दूसरों के घर बर्बाद होता हुआ देख के इसको मजा आ रहा है। अरे तुम्हें एडजस्ट करने की क्या जरूरत है, तुम मुस्कान को डाइवर्स दे दो ना। हाँ सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि मैं उसे डाइवोर्स दे दूँ, देखते हैं। खैर तुमने ये सारी बातें करके ना, पर तुम्हें उससे क्या, तुम यार तुमने ना मेरे सारे जख्म हरे कर दिए। तुम जाओ यार प्लीज। ठीक है मैं चलती हूँ, बाय बाय। इंतजार करता रहा मुस्कान, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुम्हें।
पवन, तुम मुझे छूने का हक खो चुके हो। ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? क्या हुआ है तुम्हें? इस हालत की वजह तुम हो। सोचो अब तुमने क्या किया है। तुम तलाक चाहते हो ना? हो गई मेरे वकील से बात, सुबह मिल जाएंगे पेपर तुम्हें। मेरी बात तो मुस्कान, मुस्कान मेरी बात तो सुनो, मुस्कान 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 मेरी बात तो सुनो, मुस्कान मुस्कान ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हें कैसे समझाऊं मुस्कान। कैसी जिंदगी? अरे सुनो तो बाद में बात करती हूँ। अरे कृपाल तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहीं जॉब करती हूँ। हाँ? Oh my God, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना। लॉन्ग टाइम यार। और पता है पवन भी मेरे साथ जॉब करता है। अच्छा। हाँ? पवन और तुम दोनों एक साथ जॉब करते हो? दोनों एक साथ। चलो अच्छा है। हाँ? तुम्हें पता है कल ही मैं पवन से मिली थी। अच्छा, जरूर अपनी वाइफ के बारे में बोला होगा, तारीफ कर रहा होगा अपनी वाइफ की। नहीं, वो तो कह रहा था कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इनफैक्ट वो कह रहा था कि तलाक देने वाला है अपनी वाइफ को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुमसे तारीफ कर रहा था और मुझसे कह रहा था कि प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा क्यों कर रहा है पवन? तो मुझे अभी पवन के पास लेके चलो। बट पवन तो आज ऑफिस आया भी नहीं और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा, तुमने उसका घर देखा है? हाँ, घर जरूर देखा है। ठीक है, तुम हाफ डे ले सकते हो क्या? हाफ डे तो मिल जाएगा, बट हाफ डे छोड़ो यार, तुम बताओ। यार हम सब कॉलेज के फ्रेंड हैं, पवन भी मेरा फ्रेंड है, मुस्कान भी मेरी फ्रेंड है। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में, हमें चल के देखना चाहिए आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, चलो। चल। पवन, पवन, डिवोर्स के पेपर। अब मैं तुम्हारे घर और तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ, यही चाहते थे ना तुम? मिल गया तुम्हें डिवोर्स। मुस्कान, क्या मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा? अभी भी कुछ बाकी रह गया है कहने को? अरे कृपाल, जिंदगी, तुम दोनों यहाँ? हाँ हम, लेकिन तुम बताओ ये सब क्या चल रहा है? तुम एक दूसरे को तलाक दे रहे हो? अरे तुम्हें पता भी है कॉलेज का पूरा ग्रुप तुम दोनों की मिसाल देता है, कहता है अगर जोड़ी हो तो मुस्कान और पवन जैसी, और तुम तलाक की बातें कर रहे हो? ओ मैडम, ये बात तुम बोल रहे हो? कल मेरा पति तुम्हारे सामने जो दुखड़े गा रहा था वो सब सुना मैंने, कल मैं वहीं थी। और ये डाइवोर्स जो मैं दे रही हूँ ना, सिर्फ इनकी खुशी के लिए, वरना मैं डाइवोर्स नहीं चाहती। तो तुम वहाँ आई थी? तभी तो तुम्हारे दिल में ये सारी गलत फहमियाँ बैठ गई। अरे कल से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बात सुन लो, लेकिन तुम हो कि सुनने को तैयार नहीं हो। जब मैं कल तुम्हारा इंतजार कर रहा था ना, तो अचानक जिंदगी आ गई और मैं नहीं चाहता था कि मेरे और तुम्हारे प्यार को किसी की नज़र लगे, तो मैंने बस जिंदगी को टरकाने के लिए उससे झूठ झूठ कहा ताकि वो इरिटेट होकर चली जाए, लेकिन वो वहीं जमी रही और तुमने सारी बातें सुन ली बस। लेकिन मैंने जो उससे कहा वो सरासर झूठ था, तुम बस गलतफहमी का शिकार हुई थी। मुस्कान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और डिवोर्स के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। भाभी, आपको पता है पवन आपसे कितना प्यार करता है, ऑफिस में आपकी तारीफ करता रहता है, और हम ऑफिस वाले सब पवन से जलते हैं कि वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है, और आप पवन के प्यार पे शक कर रहे हो? पवन ऐसा नहीं है। बस इतनी सी बात थी, और जो भी गलत फहमियाँ हुई हैं वो मेरी वजह से हुई हैं। अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो शायद ये गलत फहमी होती नहीं, और ज़िंदगी
मैं भूल गया था यार कि दोस्त दोस्त की लाइफ में नजर लगाते हैं। दरअसल दोस्त तो दोस्त की लाइफ बचाते हैं, उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है दोस्त। मैं ऐसा कैसे भूल सकता हूँ? और आज देखो, तुम दोनों ने ही मेरा घर टूटने से बचा दिया। कोई बात नहीं पवन, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहो। मुस्कान, पवन तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम हमेशा खुश रहो।